Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intihai kabul ekram jenab district police officer Saibad Muhammad Tashir Sahab. हम आपको थाना यूसुफवाला में अहमद पर इल्तिहा गराइयों से सामने करते हैं। तो पहले विजिट के दौरान ही डीपीओ साहब ने हमें कहा कि आपका थाना जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, जिस तरह एक सिंह के थाने को होना चाहिए वो नहीं है। तो आपकी हदायात, आपकी गाइडेंस से हमें एक बेहतरीन आइडियल अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अवाम के लिए बल्कि हमारे पुलिस अफसरान जो यहाँ पर तैनात है उनके लिए हमने बेहतरीन एनवायरमेंट जनाब की हदायत पर हमने दिया। जैसा कि एसओजे यूसुफ वाला ने आपको भी बताया कि चौंके ज़िला साहिवाल में एक ही स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन था, सिप्स जिसका एब्रीविएशन है। और इसलिए जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि इस थाने का विज़िट करूँ ताकि मुझे पता लगे कि जो जिस थाने को ज़िले में सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है वो उसकी हालत कैसी है। तो जब इसका जो पहला विज़िट मैंने किया तो मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई इसको थाने को देख के, चूँकि इसके लिए स्पेशल फंड्स भी फराहम किए गए थे और यहाँ पर स्टाफ भी उस लिहाज से मॉडल पुलिस स्टेशन के हिसाब से लगाया गया था और इसमें जो हमारा इक्विपमेंट है और जो सिविल वर्क है उसकी एक ख़ास क्राइटेरिया था जो यहाँ पर होना चाहिए था, जिसमें मुझे कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आई। तो फिर वहाँ पर इस वक्त डीएसपी फारूक साहब थे और नदीम ही एसएचओ था, तो इनको मैंने स्पेशली कहा कि आपको जितने फंड्स चाहिए, जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो आपको विजन चाहिए और जो आपको टाइम चाहिए आप वो लें, लेकिन कम से कम ये थाना जो है अगर हमने बताया गया है, वाम को बताया है कि ये हमारा स्पेशल पुलिस स्टेशन है तो उसको उस लेवल का भी होना चाहिए। तो फिर दो तीन दफ़ा मैंने भी विज़िट किया, बाकी डीएसपी फारूक ने और नदीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इधर। और अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपने जिसने पहले ये विज़िट किया होगा थाना ऐसे 4-5 महीने पहले और जो अब चाहे वो फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, चाहे वो आईओज हैं, चाहे वो पब्लिक है, वो सब इसमें एक बड़ा विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और इंसान और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या मेहनत से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितनी हद तक हमारी काविश उसमें है। बाकी जब आप मेहनत करते हैं और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह उसमें बरकत भी डालता है और आपको चीज़ भी बेहतर होती हुई नज़र आती है। अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो इसमें स्टाफ की कमी है या इसमें कुछ और इक्विपमेंट अगर कोई मिसिंग है तो इंशाल्लाह हम वो भी फराहम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अभी मैंने विज़िट किया है और बहुत बेहतर हो गया, पुलिस स्टेशन बड़ा अच्छा हो गया और पंजाब के बेतहाशा ज़िलों से ये बेहतर पुलिस स्टेशन इस वक्त है। जो इस टाइम सदर के आसिम साहब हैं, इससे पहले वाले एसडीपी फारूक साहब जिन्होंने ये सारा कंसीव किया और नदीम, सबको मैं और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इसमें अब जिन सहूलियात का इजाफा हो गया है जो दीगर थाना जात में नहीं है, उनमें से हमारे पास यहाँ पे टोकन सिस्टम है। जैसे आप नाजरा में जाते हैं तो आपको टोकन इशू हो जाता है और अपने अपनी टर्न पर जाके अपना मसला हल कराते हैं। एसी रूम लगा हुआ है, वेटिंग रूम एसी फिटेड है, उसमें पब्लिक जो भी आ रहे हैं सिटीज़न हमारे काबिल एहतराम, वो वहाँ पर बैठें, वेट करें अपनी टर्न का। उसके बाद वो फ्रंट डेस्क पे आ जाएंगे, उनको एंटरटेन किया जाएगा, उनकी जो भी कंप्लेंट है, जो भी उनका इशू है, कोई गुमशुदगी का है, कोई कंप्लेंट लॉज करनी है, कोई एफआईआर का है, क्राइम का है, डॉक्यूमेंट्स गुमशुदगी का है, वो उनका मसला वहाँ पे हल किया जाएगा। और जो इंटरव्यू रूम है अलहदा है, इन्वेस्टिगेशन रूम अलहदा है, इंटेरोगेशन रूम अलहदा है। इसी तरह जेंट्स के लिए ये सेटअप अलहदा है और लेडीज़ के लिए ये पूरा सेटअप अलहदा से है। और बड़ा साफ सुथरा खुला लॉकअप है और उसके अंदर जो भी हमारे लॉकअप में एक्यूज होते हैं उनके इंसानी हकूक का ख्याल रखना हमारे फ़राइज में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएचओ थाना यूसुफवाला ज़िला साहिवाल से आपसे मुखातब हूँ। ये जो हमारा थाना यूसुफवाला है ये आईजीपी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है। इसके अंदर तमाम सहूलियात जो कम्युनिटी पॉलिसिंग का एक विजन है हमारे अफसरान का, बिलखसूस जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल और जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब मोहम्मद काशिफ असलम साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल हैं, उनका ये विजन है कि अवाम के साथ जो है उनको ये एहसास हो, हम अपने ही लोगों के पास जा रहे हैं और उनको हम अपने मसाइल बताएंगे तो वो हमारे मसाइल हल करेंगे। सबसे पहले हमारा बाहर एक कांस्टेबल खड़ा होता है जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है
वो उससे पूछता है, उनका टोकन लेते हैं, फिर उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। हमारे यहाँ पे फ्रंट डेस्क के साथ साथ हमने जो नए कमरे रेनोवेट किए हैं उसके अंदर हमारी जो वेमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए कमरा बनाए गए हैं, हमारे जो आईओस हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए हमारे अलग रूम हैं और इंटरोगेशन रूम हैं। डीपीओ साहब साहिवाल की हिदायत पर थाना को अपग्रेड किया गया है, इसकी मजीद रेनोवेशन करवाई गई है जिसकी वजह से थाने के काम में बेहतरी आ रही है और हम थाने में आने वाले साइलिन को बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। थाने आगे पहले जो सुनते सी गल्लां बातें भी यानी थाने ऐसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा जी, तो बड़ा माहौल ख़राब है ये वो, लेकिन वो चीज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह अच्छा माहौल है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं इतने आके थाने के। मैं जी आया पहली बार आज थाने तो देखा जो अगर जो संतरी साहब होते हैं वो बड़ा अच्छा प्यार सलूक न अंदर जावन देंगे तो गलबात सुनते हैं, बंद बहुत अच्छा थाना यूसफ वाले का अच्छा माहौल है।